हेलो एवरीवन, आई एम आयशा फ्रॉम नेशनल एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी। तो आज मैं आपको बताऊंगी जॉब सेफ्टी एनालिसिस फॉर लिफ्टिंग एंड कैरिंग लोड्स, मतलब जो भी इंडस्ट्री में जो भारी सामान होता है उसे कैसे लिफ्ट किया जाता है, कैसे कैरी किया जाता है। किसी मशीनरी से अगर हम वो लोड जो है इधर से उधर हम अगर सप्लाई कर रहे हैं, इधर से उधर हम रख रहे हैं, तो उसमें कैसे सेफ्टी मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम पहले एनालाइज करेंगे कि क्या क्या सेफ्टी हमें मेंटेन रखनी है, और उसके बाद हम वो वर्क करते हैं। ठीक है, किसी भी काम को शुरू करने से पहले जॉब सेफ्टी एनालिसिस हमें करना होता है, ताकि कोई भी काम हो तो उसमें ऐसा ना हो कि कोई रिस्क और हैजार्ड हो जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, उसी के बाद हम वर्क शुरू करते हैं। तो इंडस्ट्री में क्या होता है, कई सारे सामान होते हैं जो उठाना होते हैं, पर क्या करते हैं, उसे गलत तरीके से उठा लिया जाता है। तो क्या होता है, जो भी इंसान वो सामान उठा रहा है उसकी बॉडी को हार्म होता है। साथ ही अगर फॉर्कलिफ्ट या किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी व्हीकल के साथ वो सामान जो है उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो क्या होता है, उसमें वो लोग उसे ठीक से या चला नहीं रहे होते हैं, या कुछ और दिक्कत आ जाती है, या हैवी लोड उठा लेते हैं जितना वो बियर नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें एक एक्सीडेंट क्रिएट कर सकती हैं। तो ये सारी एनालाइज हमें करना होता है कि कौन सी जो व्हीकल है, मतलब फॉक लिफ्ट है, वो कितना लोड ले सकती है। कोई भी इंसान अगर कोई भारी सामान उठा रहा है तो किस तरीके से उठा रहा है, ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं, उसके बाद वो वर्क कर सकते हैं। तो आज इन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले सेफ्टी लिफ्टिंग टिप्स हैं, जैसे कि आप कोई भी सामान उठा रहे हैं तो आपको बैंड योर नीज, मतलब अपने घुटनों के बल बैठ जाना है, उसे ऐसे अपनी वेस्ट से पकड़ना है उस सामान को, हाथों से फिर पकड़ना है, और उसे इस तरीके से लोड को उठाना है, और कभी भी ट्विस्टिंग नहीं करनी है कोई भी सामान को, मतलब साइड में रख लिया या गलत तरीके से उठा लिया, तो इस तरीके से आप हैवी लोड उठा सकते हैं। ठीक है, किसी की हेल्प से भी आप उठा सकते हैं, और अगर आप खुद से अकेले से उठा सकते हैं, तो इस तरीके से ये जो तीन स्टेप दिए गए हैं, इस तरीके से आप उस सामान को उठा के ले जा सकते हैं। ठीक है, साथ ही एक ये तरीका होता है, कुछ लोग इस तरीके से सामान उठाते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। ये सब आपको जब भी जॉब सेफ्टी एनालिसिस के जो स्टेप्स बनते हैं उसमें आपको सिखा दिया जाता है। कोई भी सामान है, परमिट जब इशू होता है तो इसी तरीके से इशू होता है कि कोई भी सामान जो है वो इस तरीके से उठाना है, उसमें आपको सब कुछ सिखा दिया जाता है। तो ये रॉन्ग वे है, जिस पर रॉन्ग लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, वो रॉन्ग वे है। इस तरीके से हम उठाएंगे तो वो सामान ठीक से उठ भी जाएगा, जो इंसान उठा रहा है उसे कोई हार्म भी नहीं होगा, और ईजीली वर्क कर पाएगा। तो ये तो बात की हमने जो भी पर्सन है कोई वो सामान को उठा रहा है उसके बारे में, तो ये तो मैन के थ्रू, पर्सन के थ्रू सामान उठ रहा है। अब अगर मैं बात करूँ फॉर्कलिफ्ट से सामान उठाया जा रहा है, तो वो किस तरीके से उठाया जाएगा, और उसमें क्या क्या चीज़ें हम चेक करेंगे जब वो सामान उठा रहे होंगे। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है, जो भी हम फॉर्कलिफ्ट चला रहा है, जो भी ड्राइव कर रहा है, उसे स्लो चलाना है। कोई रेस में वो पार्ट नहीं ले रहा है जिसकी वजह से वो फास्ट चलाए उसे। ठीक है, उसके बाद जो भी सामान वो लेके जा रहा है, ट्रैवल और टर्न कर रहा है, तो ऐसा ना हो फॉर्कलिफ्ट एकदम राइज पर हो, एकदम ऊंचाई पर हो, सामान ऊंचाई पर हो, तो क्या हो सकता है, पीछे से फॉर्कलिफ्ट उठ सकती है। ठीक है, कभी भी आप जो भी ड्राइव कर रहे हैं फॉर्कलिफ्ट, तो ऐसा ना हो कि आप इधर उधर आपका ध्यान हो, हमेशा ध्यान सामने होना चाहिए, और बी केयरफुल होना चाहिए जब भी आप कोई भी सामान उठा के फॉर्कलिफ्ट पर ले जा रहे हैं। हमेशा याद करना है कैरी इट लो, मतलब कि सामान जो है वो ऐसा ना हो आप भारी से भारी सामान रखते गए फिर फॉर्कलिफ्ट जो है वो कैसे बेयर कर पाएगी इतना लोड, जितना वो बेयर कर सकती है उतना ही लोड हमें रखना है। और ड्राइव इट स्लो, हमें धीरे चलाना है, और सामान जो है वो ऐसा ना हो ज़्यादा हैवी मटेरियल हम रख लें। ठीक है, लो मटेरियल ही रखना है, जितना वो बेयर कर सकता है लोड उसके अकॉर्डिंग। अब कॉमन हज़ार्ड कैसे हो सकते हैं फॉर्कलिफ्ट से, जैसे कि ओवरलोडिंग करना, ठीक है, या फिर कोई जिस इंसान को वो व्हीकल जो है वो चलाना ही ना आता, उसको वो थमा देना, ज़्यादा स्पीड करना, ठीक है, फॉर्कलिफ्ट जो उसे ज़्यादा ही ऊपर उठा देना, ठीक है। तो इस तरीके के हज़ार जो है वो सामने आ सकते हैं, इस तरीके की चीज़ खतरा कर सकती है कि आपने उसे ओवरलोड कर दिया, आप उसे स्पीड में चला रहे हैं, बिल्कुल फॉर्कलिफ्ट को एकदम राइज कर दिया, ऊपर पहुंचा दिया, और उस पर हैवी मटेरियल रखा है, मतलब कुछ भी मटेरियल रखा है, तो ये एक एक्सीडेंट क्रिएट कर सकता है। या फिर जिसे चलाना आना आता हो, जो ऑपरेटिंग नहीं कर सकता, उसे वो थमा दिया चलाने को, तो ये सारी चीज़ें एक हज़ार क्रिएट कर सकती हैं। तो ये सारे हज़ार पर हमें ध्यान देना होगा, तभी हम एक्सीडेंट्स रोक पाएंगे।
इस तरीके से फॉकलिफ्ट का वीकली इंस्पेक्शन भी किया जाता है, वीकली चेकअप किया जाता है कि उसका इंजन जो वो ठीक से काम कर रहा है, कोई ट्रांसमिशन ऑयल लेवल तो नहीं आ रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें इस तरीके से चेक करते हैं। हाइड्रोलिक ऑयल मतलब हाइड्रोलिक जो टेस्ट है वो किया जाता है उसका, ठीक है। वाटर लेवल जो है मतलब वो फॉर्कलिफ्ट जो है वो मतलब ज़्यादा हीट तो नहीं कर रही है, सामान जो है वो ठीक से कैरी कर पा रही है या नहीं, ये सारी चीज़ें उसका वीकली चेकअप किया जाता है। ये इसके 10 रूल्स है फॉर्कलिफ्ट सेफ्टी के, जैसे कि आपको स्पीड जो है वो सेफ रखनी है, ठीक है। कोई भी सामान अगर आप ले जा रहे हैं तो केयरफुल रहना चाहिए कि वो ज़्यादा हैवी तो नहीं है, ठीक है। कहीं भी आप जिस फ्लोर पे चला रहे हैं उस फ्लोर का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा तो नहीं वो ऊपर खाबड़ है और आप स्पीड में लिए चले जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी, ठीक है। स्लो डाउन करना है आपको, साउंड करना है कॉर्नर्स पे कि कोई वर्कर काम, ऐसा ना हो कि पीछे कोई वर्कर काम कर रहा है, आपने ध्यान नहीं दे पाओ, सीधे जा रहा है आपका फॉर्कलिफ्ट, तो ऐसे नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है, जो भी फॉर्कलिफ्ट ऑपरेट कर रहा है उसको केयरफुल रहना है कि ऐसा ना हो कि उसका ध्यान इधर उधर भटके, और इंडस्ट्री है वहाँ तो लोग भी जा रहे होंगे, है ना, सभी पर्सन होंगे, सभी पीपल होंगे वहाँ पे, तो इस चीज़ पर हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके के 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे हम अगर ध्यान देते हैं तो हम फॉर्कलिफ्ट सेफ्टी भी मेंटेन कर सकते हैं। तो जो हमारा JSA है वो जॉब सेफ्टी एनालिसिस, वो तभी बनाया जाता है, इसीलिए बनाया जाता है कि कोई भी वर्क जो हो रहा है उसे स्टेप बाय स्टेप किया जाए और सेफ्टी से किया जाए। जब हम एनालाइज कर लेंगे उसमें क्या क्या हज़ार्ड होने वाले हैं, हम रिस्क कंट्रोल कर लेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होने पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें तो फॉर्कलिफ्ट के बारे में मैंने आपको बताई, और कैरी लोड कैसे करते हैं अगर कोई पर्सन उस सामान को उठा रहा हो, क्या होता है कभी कभी किसी को हेल्थ इंजरी हो जाती है, जैसे कि सामान उठा रहा है, मान लीजिए उसने इस तरीके से उठाया, उसका बॉडी नहीं इतना वजन नहीं उठा पा रही है, उसने गलत तरीके से उठाया तो हो सकता है क्रैक आ जाए कोई भी, ठीक है, सामान भी टूट जाए, ऐसा भी हो सकता है ना कि जो भी उसके अंदर मान लीजिए कुछ हजार्डस मटेरियल हुआ तो वो ही फैल जाए, या ऑयल है उसके अंदर, कुछ भी चीज़ ऐसी है जो फ्लोर पे गिरने से और भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। उसके बाद जब हम एनालाइज कर लेते हैं कि इस काम को इस तरीके से किया जाता है और हज़ार्ड हम एनालाइज कर लेते हैं तो हम कई हद तक एक्सीडेंट रोक सकते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया JSA फॉर कैरिंग लोड्स और फॉर्कलिफ्ट, ठीक है। सो थैंक यू।